कतरबद्ध खड़ी थी। जनरल कुलकर्णी, आपकी दृष्टि में क्या सेना का भी इससे मनोबल बढ़ता है कि देश सेना के साथ है, देश करबद्ध है, कृतज्ञ है राष्ट्र? गौरव, कोई शक नहीं, इस तरह का सम्मान और शोक के वक्त इस तरह का सम्मान पूरे देश का देना इस बात को दर्शाता है और ये हमको सबको बताता है कि देश के लिए लगे रहो। जब दो आप देश के साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो एक तरीके से जो मैसेजिंग हो रहा है पब्लिक के द्वारा, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आम आदमी, जिसे कई बार मुझे लगता है इनमें से कईयों ने नहीं देखा होगा, उन्हें शायद सिर्फ सुना होगा, इस नेतृत्व का सुना है, ऐसे जज्बे का सुना है इस आदमी के बारे में कि उनको लग रहा है कि वाकई ये सीरियस जो है ये हमारा आदमी है, और उनके जाने के बाद उनको जो दुख हो रहा है वो साफ प्रकट हो रहा है, और ये जो उनका सम्मान दिखा रहा है ये देश में हर जो फौजी है उसको भी एक तरीके से प्रेरणा देता है कि वाकई काम जो है दिल से करो, दिल मतलब जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, देश के लिए वो भावना होनी चाहिए, और फिर आप देखो देश आपके लिए क्या नहीं करता, हर देश का नागरिक आपके साथ खड़ा है, ये वाकई दर्शाता है। और मैं कहूंगा गौरव, ये एक ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, कि एक जो किसी से शायद बहुत कम लोग सिर्फ सुनते होंगे, लेकिन शायद आज जो देश जिस चुनौतियों से गुजर रहा है, लग रहा है देश सब देशवासियों को ये ऐसा नेतृत्व होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नेतृत्व जिसके साथ सारे खड़े हैं, देश खड़ा है, अपने सरकार खड़ी है और सारे देश इकट्ठा है। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में जब लग रहा है कि पूरा देश इकट्ठा है, जनरल कुलकर्णी, आप भी सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे हैं, आपने भी संबोधित किया है सैनिकों को समय समय पर, आप संगठित करते रहे हैं सबको, लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि जो संस्कार आप उन छोटी सभाओं में शायद दिया करते थे या सैनिकों को एड्रेस करके दिया करते थे, वो संस्कार तो आपके देशवासियों में भी उतनी ही अच्छी तरीके से पहुंच चुकी है। जिस वफादारी की बात, जिस इज्जत की बात, जिस प्रतिष्ठा की बात वहां पर आप देते हैं, वो सीख अगर आपके देशवासी उस प्यार के रूप में आपको ऐसे लौटा रहे हैं, तो ये दिल को कितना संतुष्ट करता है। श्वेता जी, कोई शक नहीं जो आप कह रही हैं, जो आप जो कह रही हैं, ये देख करके हर एक का जो सीना है, और ये होगा कि वाकई जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है। देश सेवा, देश प्रेम सबके बीच में है, और जो जिसको भी जो काम मिला है उसने पूरा दिल और दिमाग लगा करके काम करना चाहिए, और यही मुझे लगता है एक सेल्फ मोटिवेटेड जनरल रावत थे, और मिसेस रावत और उनकी जो पत्नी थी, वाकई वेरी वेरी ग्रेसफुल कपल। आपको शायद आप तो उनसे मिलती आई है, आपने देखा है, गौरव ने देखा है, बहुत अच्छे, वेरी वेरी अच्छे। और अभी खबर यह आ रही है कि अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे ब्रार स्क्वायर क्रिमेटोरियम, देश के सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत, जो अध्यक्ष है डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच रहे हैं ब्रार स्क्वायर। और